हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में कांग्रेस के 3 उम्मीदवार 13 को कर सकते नामांकन। सत्ता के सिंहासन के लिए चुनावी मैदान में ताल ठोक चुकी कांग्रेस ने पश्चिमी राजस्थान में मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए भाजपा की असमंजस बढ़ा दी है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है, लेकिन कांग्रेस के 3 कद्दावरों ने अपने नामांकन दाखिल करने की तारीख और समय तय कर दिया है। हालांकि भाजपा कांग्रेस दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने अपनी पहली सूची अब तक जारी नहीं की है। देखिए, विधानसभा चुनाव 2018 को लेकर बाड़मेर जिले में कांग्रेस पार्टी द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा है और सारी तैयारियां पूरी कर दी गई है और समस्त जिले में कांग्रेसी पदाधिकारी, हमारे नेतागण और कार्यकर्ता जुट गए हैं। बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र और जिले की सारी सीटें जीतने के लिए हमने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। इस रणनीति के तहत 13 तारीख को हमारे पूर्व राजस्व मंत्री हेमाराम जी चौधरी 13 तारीख को 12:30 बजे अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे नामांकन। इसी 13 तारीख को हमारे पूर्व सांसद और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव श्रीमान हरिजी चौधरी 13 तारीख को 11 बजे अपना नामांकन पत्र दायर करेंगे। लेकिन बाड़मेर में कांग्रेस के 3 कद्दावर नेताओं ने अपने नामांकन पत्र दाखिल करने की घोषणा कर दी है। इसके लिए इन नेताओं ने सोशल प्लेटफॉर्म पर जन समर्थन तक मांग लिया है। बाड़मेर में कांग्रेस के जिला प्रवक्ता मुकेश जैन के मुताबिक पार्टी आला कमान ने बाड़मेर में हेमाराम चौधरी, हरीश चौधरी और मेवाराम जैन को हरी झंडी दे दी है और बायतू से हरीश चौधरी 13 नवम्बर को तो 16 नवम्बर को बाड़मेर से मेवाराम जैन अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इन तीनों ने बकायदा ज्योतिषी से मुहूर्त पूछवा कर समय तय भी कर लिया है जिस वक्त वह अपना नामांकन भरेंगे। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।